हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ ज़ीना। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पैकिंग की ब्लॉग। सो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था एक शॉपिंग ब्लॉग। सो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो चेक कर लेना। एंड जी हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सब्सक्राइब बटन के साइड में रहेगा एक बेल नोटिफिकेशन बटन, जिसको दबाने के बाद आपको वॉल में क्लिक करना पड़ेगा हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए। सो जी हाँ, आप लोग देख ही सकते हो, फर्स्ट मैंने कुछ मतलब मेकअप जो बॉक्स रहता है उसके अंदर सारा मेकअप डाल दिया। एक्चुअली इसमें ना कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो मैंने शॉपिंग किया था एकदम न्यू, एंड कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो कि मेरी खुद की है, पर्सनल है, कुछ कुछ क्लोथ्स भी है मेरा। तो सब मिलाकर पैकिंग चल रहा है यहाँ पर। एंड उसके साथ साथ आप देख ही सकते हो, मेरा हस्बैंड यहाँ पे कुछ सॉर्ट आउट भी करते जा रहा है कैसे कैसे पैकिंग, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा डालना है, ऐसा डालना है। तो एक्चुअली वही पैकिंग कर देता है, मैं सिर्फ हेल्प करती हूँ। पूरी पैकिंग में मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करता है। एंड साइड में जिमी का कैच है। सो पता नहीं वो पीछे है, आप लोग देख पाओगे नहीं पाओगे, को एक कुछ एक शॉट में शायद देख पाओ जिमी को। कल है फ्लाइट मेरी। सो मैं ना अकेली जा रही हूँ, लास्ट वीडियो में मैं बताई नहीं थी, एक्चुअली मैं अकेली जा रही हूँ। एंड मेरे हस्बैंड कुछ दिन बाद आएंगे, लाइक 8 to 10 days के बाद। एंड एक दो फ्रेंड हैं उनके साथ जा रही हूँ। इससे पहले हम लोग जब भी ट्रैवल किए एमिरेट्स से किया, लेकिन इस बार कोविड के वजह से एमिरेट्स अभी बंद है। सो हम लोग को दूसरी फ्लाइट में जाना पड़ रहा है, मतलब यूनाइटेड में। सो यूनाइटेड में एक प्रॉब्लम ये है कि अपना लगेज जो होता है चेक इन में डालने वाला, तो वो एक ही लेके जा सकते हो 23 kgs का। एंड देन एक और केबिन बैग लेके जा सकते हो 14 kg का। सो उस हिसाब से बहुत ही मतलब कुछ चीज़ रख रही हूँ साइड में, एंड कुछ डाल रही हूँ, बाकी सामान मेरे हस्बैंड लेके आएंगे। सो ये हो गया एक छोटा सा केबिन बैग जो कि मैं फ्लाइट के अंदर लेके जा सकती हूँ। एंड साइड में एक जो वाइट वाला बहुत ही लाइट वेट ब्लैंकेट रखा हुआ है, वो मैं ट्रैवल के दौरान यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ठंड है, एक्चुअली मुझे ठंड लग रही है। एंड कुछ कुछ जो है सेफ्टी किट डाल रही हूँ, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, वाइप्स हो गया, एक ये सब साइड में रख रही हूँ ताकि इमरजेंसी में निकाल सकूँ। एंड जी हाँ, बहुत सारी चीज़ मतलब मैं पूछ के कर रही थी चीज़। एंड कुछ कुछ लग रहा था कि ये छूट गया, ये कैसे डालूँ, इसको कैसे मतलब अरेंज करूँ, मैनेज करूँ कैसे भी। एंड लेके भी जाना है, ज़्यादा लेके नहीं भी जा सकते, ऐसा भी हो रहा था कभी कभी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, मैं लेके आऊँगा। एंड देन ये हो गया नेक पिलो। सो ये ट्रैवल में मतलब बहुत ही काम आ जाता है फ्लाइट में सोने के लिए, तो ये बाहरी मतलब लगा रही हूँ मैं। सो ये भी मतलब ये केबिन बैग भी पूरा हो गया पैकिंग। एंड जी हाँ, अब बारी है चॉकलेट्स की। सो यहाँ पे कुछ कुछ चॉकलेट्स ऐसा है कि ऑर्डर दिया हुआ है,
किसी ने ऑर्डर दिया था ऐसा कुछ चॉकलेट से, एंड बाकी मिक्स चॉकलेट है, एंड देन वैराइटीज़ मतलब अलग अलग वैरायटी के पैकेट्स है वो भी है एंड मिक्स्ड भी है, तो सब मिलाकर जितना हो सकेगा मैं अब डालने वाली हूँ मेरे बैग में। अब जो बच जाएगा मेरे हस्बैंड लेके आएंगे, यूज से कुछ खाने के लिए उतना लेके नहीं जा पाती हूँ, चॉकलेट लेके जा पाती हूँ क्योंकि ट्रैवल जो है बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, एंड देन लगता है कि ख़राब हो जाए ना जाए, तो चॉकलेट आसानी से चला जाता है। फिर भी कुछ कुछ चॉकलेट ऐसे भी होते हैं कि वो ना मेल्ट हो जाते हैं, तो क्योंकि पैकेजिंग बहुत अच्छे से रहता है तो मेल्ट होकर ना अंदर ही रहता है, फिर घर आने के बाद उसको फ्रीज करना पड़ता है, मतलब फ्रीज में रखना पड़ता है। तो ये हो गया बहुत ही वैराइटीज की चॉकलेट्स, हर एक चॉकलेट टेस्टी है, मतलब मैं खुद टेस्ट की हुई हूँ, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतने सारे चॉकलेट लेके जा पाऊँगी, एंड ये मैं बॉक्स में डाली हूँ क्योंकि ख़राब ना हो जाए, मतलब मेल्ट ना हो जाए, एंड उसके बाद मैं डालूँगी बैग में। पैकिंग तो हो चुका है एंड अब बारी है वेट करने की, सो चॉकलेट भी वेट कर करके हम लोग डाल रहे थे। सो ऑलमोस्ट पैकिंग डन है, कल मेरा फ्लाइट है, सो कल ट्रैवल ब्लॉग बनाऊंगी, एंड आप लोग अगर अच्छा लगे मेरे ब्लॉग तो लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, एंड तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्थ रहिए, उसके साथ साथ सावधान भी रहिए। बाय बाय।